नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। बाजपुर में एसडीएम राकेश तिवारी ने तहसील सभागार में विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ की बैठक ली और साथ ही सभी बीएलओ को वोटर लिस्ट को पूरा करने के आदेश भी दिए। साथ ही एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि निर्वाचन चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची सम्मेलन चल रहा है। 1 नवम्बर से लेकर दिसंबर तक ये चलेगा, जिसमें 18 वर्ष के हुए सभी युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही जिनकी नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल के लड़कियां आई हैं और वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में अंकित करवा सकते हैं। और जो लोग ट्रांसफर होकर आए हैं, जिनके नाम में कोई त्रुटि रह गई है, वो भी अपना नाम सही करवा सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से मतदाता रिविजन चल रहा है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है सभी हमारे वोटर्स के लिए कि वो अपना नाम जो है, यदि नहीं उनका चढ़ा है, जो नए वोटर्स हैं वो अपना जुड़वा लें। जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष होने वाली है, उसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र होके आए हैं या जो लड़कियां शादी होके अपने ससुराल में आई हैं, उनका नाम यदि नहीं जुड़ा है उनके ससुराल में, तो वो अपना जुड़वा लें। और जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो अपना उनका नाम डिलीशन होना है। तो आज 15 दिन हो चुके हैं इसमें, और कल हमारा भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और जिला निर्वाचन आयोग अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कल 13 और 14 को विशेष शिविर था। तो शिविर के पश्चात क्या अपडेट है इसकी सूचना इनसे ली जा रही है और क्या समस्याएं हैं ये उसकी भी, ताकि हम जो अगला 15 दिन है उसमें और बेहतर। कालाढूंगी पुलिस ने थाना परिसर में समस्त डीजे संचालकों, धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे के प्रबंधकों एवं मुख्य पुजारियों के साथ थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने मीटिंग की और आयोजित की। इस मीटिंग में बैठक में आए नगर के सभी धर्मों के लोगों को बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के रूलिंग पर कम ध्वनि वॉल्यूम्स पर चर्चा की। थानाध्यक्ष रावत ने कहा कि धार्मिक स्थलों में प्रयोग किए जा रहे ध्वनि संयंत्रों, लाउडस्पीकर आदि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्णता पालन किए जाने पर सभी लोगों को निर्देशित किया गया है। वहीं धार्मिक स्थलों में दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूर्णता पालन कराने को भी कहा गया है। साथ ही मीटिंग में आए सभी डीजे संचालकों को भी रात के 10 बजे के बाद डीजे न बजाने की हिदायत दी गई। जो है उनके पुजारी हैं, प्लस ये डीजे वाले हैं, बारात घर वाले हैं और बैंड बाजे वाले हैं। अब आगामी ये कल परसों से शुरू हो रहा है बारात और उनका सीजन शुरू हो रहा है, तो सभी लोगों को बुलवा के इसलिए बताया गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रूलिंग है इसके अधीन ही अपने उसमें बारात घरों में या डीजे का काम करेंगे। 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा और बारात घरों में सीसीटीवी कैमरे होंगे और अपने जो गार्ड रखते हैं वो रखेंगे। इस संबंध में इनको सभी को अवगत कराया गया है। ठीक है, हम अपने स्तर से एक नोटिस भी दे देंगे कि इन बिंदुओं पर क्या आधार पर आप। बाजपुर में एमपीए और डीएपी खाद की कालाबाजारी को लेकर आक्रोशित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष हरप्रीत सिंह निज्जर के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एसडीएम राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपकर कालाबाजारी पर शीघ्र ही अंकुश लगाने की मांग की और कहा गया कि खाद की कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो किसान मजबूर होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भाकियों के युवा ब्लॉक अध्यक्ष हरप्रीत सिंह निज्जर ने कहा कि सहकारी समितियों में एनपीए और डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, दुकानों से महंगे दामों में खरीदने पर 500 का प्रेस्टीज साइट का कट्टा दिया जा रहा है, इसके बिना खाद किसानों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और धड़ल्ले से कालाबाजारी चल रही है। डीएपी एनपीके सोसाइटियों में खत्म है 4-5 दिन पहले से, क्योंकि बुआई पूरे जोरों पे चल रही है और खाद मिल नहीं रही। लोग परेशान होकर प्राइवेट दुकानों से प्राइवेट ही खाद उठा रहे हैं, जिसका रेट 1700 से 1800 तक दुकानदार ले रहे हैं और साथ कट्टे के 400-500 रुपए का अलग से कीटनाशक या दूसरी दवाई चेप रहे हैं ज़बरदस्ती, और मजबूरी में किसानों को वो दवाई साथ 500 रुपए एक्स्ट्रा दे के दवाई खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि बुआई चल रही है, गेहूँ लेट हो रही है, तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और मुझे लग रहा है कि भाजपुर ब्लॉक में ही अभी आधे किसान ही हैं जो एनपीके और डीएपी उठा पाए हैं,
आधे आधे किसान जो हैं जिन्हें अभी खाद सोसाइटियों से मिली नहीं है वो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसी चक्कर में आज एसडीएम महोदय से और तहसीलदार साहब से मीटिंग करनी है। अगर इसका हल आज शाम तक या कल तक ना निकलेगा तो बहुत तगड़ा हम एजिटेशन करेंगे भगत सिंह चौक में किसानों को इकट्ठा करके, क्योंकि ये आए साल का ड्रामा हो गया सोसाइटियों का। यहाँ तो इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है दुकानों से, क्योंकि जब एक सिस्टम का पता है, एक लैंड का पता है कि हमारे ब्लॉक में इतनी गेहूं की बुआई होती है तो उस चीज़ की पहले व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये जानबूझ के किसान को परेशान करने के लिए सारी चीज़ें पैदा की जाती हैं। जो NPA और DAP खाद की परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है, गेहूं की बुआई चल रही है जिसमें किसानों को खाद अवेलेबल नहीं है किसी सोसाइटी में। अगर किसी सोसाइटी में किसान जाता है तो उसको वहाँ से कह देते हैं कि खाद नहीं है, और मार्केट में बाहर महंगे दामों पे खाद लेने पे वो मजबूर है। और जो किसान की दुर्दशा ये सरकार कर रही है, मिली भगत सरकार की भी है, और ये जो सोसाइटियाँ हैं जो अपना पूरा ढंग से ना। मसूरी के देवप्रयाग कीर्ति नगर जन कल्याण समिति द्वारा शहीद भगत सिंह चौक स्थित पार्किंग सभागार में इगास पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान इगास पर्व में लोग कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के साथ ही ब्लॉक बालिकाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भैलो नृत्य का भी आयोजन किया गया। रुड़की के नगर निगम में पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका आयोजन शहर के प्रसिद्ध वैद्य टेक वल्लभ द्वारा किया गया। इस दौरान लगभग सभी पत्रकार मौजूद रहे, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा ने बड़े बेबाक तरीके से अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है, जो अपनी कलम से उनके आसपास हो रहे घटनाक्रम को प्रमुखता से सामने लाते हैं। जन समस्याओं को उठाने में भी पत्रकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पत्रकारों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। पत्रकारिता पर हमला हो और कोई व्यक्ति अपने को ये समझे कि वो खुदा हो गया है तो उसे जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं आपको चुनाव लड़ना है, क्या किसी बाहुबली को जवाब देने के लिए किसी पत्रकार को चुनाव लड़ना जरूरी है? नहीं। बताइए, क्या हम वैसे जवाब नहीं दे सकते? दे रहे हैं ना। काफी समय से मैं कुछ महसूस कर रहा था, विशेष तौर से इस कोरोना के काल में, कि प्रथम दौर में द्वितीय दौर में मैंने देखा कि मेरे सभी पत्रकार मित्र जो है वो मैदान में डटे थे, कोई संकोच नहीं था, और हर किस्म की भावना में जब भी हम देखते हैं कहीं झगड़ा है, कहीं मारपीट है, कहीं कुछ भी है, तो ये बिल्कुल साहसी बन करके बिल्कुल हिम्मत से वहाँ खड़े रहते हैं और खबर की कवरेज करते हैं। तो इनका एक बार मैं सम्मान करूं और सब पत्रकारों के साथ में, वो कार्यक्रम केवल पत्रकार का हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मेरे केवल पत्रकार मित्र हैं यहाँ पर, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभा के अध्यक्ष जी सदन पूरा। लक्सर में हर तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस पर खास आयोजन होता है। यह आयोजन इस आशय के साथ किया जाता है कि ताकि लोगों के सामने आ रही समस्याओं का निवारण जल्द किया जा सके। इसी के मद्देनजर लक्सर उपजिलाधिकारी ने तहसील संबंधित सभी विभागों को आज लगने वाले तहसील दिवस में उपस्थित रहने के आदेश दिए। आज लगने वाले तहसील दिवस में ज्यादातर शिकायतें PWD विभाग, पशु स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका संबंधित रही। उपजिलाधिकारी ने बताया कि ज्यादातर शिकायतों का निवारण मौके पर किया गया। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनका निवारण जांच के बाद किया जाएगा, जिन्हें विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया गया है। निर्देश है कि हर माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सभी अधिकारी जो है वो तहसील में उपस्थित रहेंगे, और ताकि जनता की जो शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा सके। तो उसी क्रम में ये तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है। कुछ विभागों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और कुछ विभागों के सक्षम अधिकारी अनुपस्थित भी हैं, तो इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्योंकि इससे जो पूरे तहसील दिवस का जो प्रयोजन है वही कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो आज के तहसील दिवस में अब तक 13 हमारे पास शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से राजस्व विभाग, PWD, पशु विभाग से संबंधित काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें जो है खुरपका से रोग से संबंधित शिकायत भी प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही जमीन से संबंधित काफ़ी मामले हैं, तो उसमें नायब तहसीलदार को मौके पर जाकर उसके निरीक्षण करके रिपोर्ट देने बनाने की।
नई टिहरी में अपनी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अंशकालीन दायरे संगठन की धरना दिया है और वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सीएम को ज्ञापन भेजा है। संगठन की अध्यक्ष सुलोचना भंडारी ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे हैं कि अंशकालीन दाइयां सभी एएनएम सेंटर में साल 2007 से लगातार कार्य कर रही हैं और 2007 जो मानदेय निर्धारित हुआ था 2021 में भी उसी पर है और पिछली सरकारों की तरफ से बार बार आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों को जीविका यापन के लिए उचित मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है जिससे कि आर्थिक स्थिति कमजोर है। आगे लोगों ने कहा कि हमारा मानदेय 18,000 किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हमें 2007 से 400 रुपए मिलती थी, पहले वो 500 रुपए देते थे, फिर उन्होंने औरों की बढ़ोतरी की, हमारे उन्होंने और 100 रुपए और कम किया। हमें जो मानदेय 2007 से मिलता था आज 2021 में भी वही मिल रहा है। हमारी सरकार से यही हो है कि हमारी मांगों पे ध्यान दे और हमारा मानदेय बढ़ाए। सब सेंटरों में जो दाई होते हैं और ये लोग अपने वहाँ पर पूरी सेवाएं देते हैं और इनका जो मानदेय है वो 400 रुपये है। बड़ी शर्म की बात है, आज हमारी इन बहनों को 400 रुपये अगर प्रतिमा दे रहे हैं तो इससे क्या इनका घर चल पाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि इनको कम से कम 18,000 रुपये अगर मानदेय दिया जाए तो इन लोगों का घर चल पाएगा। अब ऐसे में इनके बच्चे, जबकि ये सब सेंटरों में पूरे सुबह से, हम भी वहाँ पर जब देखते हैं सुबह 10 बजे से और शाम 5 बजे तक यह वहाँ पर रहती हैं। सब सेंटरों में ये लोग वहाँ पर सफाई करती हैं और वहाँ पर जो भी सेंटरों में जितना भी काम होता है इन लोगों से करवाया जाता है। सरकार ने पहले भी इनसे कहा था कि इनके जो इनकी मांगे थी इन पे इन्होंने कहा कि विचार कर दिया जाएगा। आज इनको 2007 से रुड़की कोतवाली क्षेत्र के जौरासी जबरदस्तपुर गांव में 5 दिन से लापता युवक का शव मिला है जो घर के पास ही भूसे के कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतक के परिजन युवक की हत्या की बात कह रहे हैं। दरअसल ग्राम जौरासी जबरदस्तपुर निवासी शाहरुख 10 नवंबर को लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की मगर उनका कोई पता नहीं चला। लापता युवक के परिजनों ने इसकी सूचना रुड़की पुलिस को भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने भी युवक की तलाश की। वहीं कुछ वक्त बाद लापता युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव जोरासी में जो शाहरुख है पुत्र इरफान, वो 2-3-4 दिन से गायब थे, तो उनका शव जो है भूसे की जो कोठे है उसमें जो बच्चों ने जो देखा था खेलते समय, सूचना पर मौके पर जब पहुंचे थे तो सब उन्होंने उतार लिया था और शव को जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ। हरिद्वार भारतीय पत्रकार संघ के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी नगर कोतवाली पहुंचे, जहां पर अल्पसंख्यक सिया बोर्ड के कर्मचारी वसीम रिजवी ने प्रेस क्लब में बैठक की और उस बैठक में सभी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। यहां कई मुद्दों को लेकर बात की गई। वहीं रिजवी की तरफ से किताब का विमोचन भी किया गया। इस किताब को लेकर कहा गया कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष दिलशाद ने इस मामले की घोर निंदा की और वसीम रिजवी के खिलाफ नगर कोतवाली में एक लिखित शिकायत पत्र दिया है। वहीं साथ ही लोगों को इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। भारतीय पत्रकार संघ को जिस वक्त इसके बारे में पता लगा कि हरिद्वार प्रेस क्लब के अंदर शैतान और मर्दूद वसीम रिजवी जो सिया समुदाय से ताल्लुक़ रखता है उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हरिद्वार और पिरान कलियर जैसे यहाँ पवित्र स्थान है और ऐसी जगह आकर के उसने आग जलाने का काम किया है, उसका भारतीय पत्रकार संघ घोर निंदा करता है और कार्रवाई की मांग करता है। और इसी क्रम में नगर कोतवाली हरिद्वार में भारतीय पत्रकार संघ की ओर से ज्ञापन भी दिया गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।